नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। फिरोजाबाद, मथुरा, रायबरेली के बाद अब कासगंज में भी वायरल बुखार ने दस्तक दे दी है। वहीं वायरल बीमारी से जिले में आधा दर्जन बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। 11 मौतों के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने इस रहस्यमयी बीमारी को खोजने और इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी दे दिए हैं। निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिले में अभी तक कोई भी डेंगू का केस सामने नहीं आया है। वहीं जिला अस्पताल ने अस्पताल में चिकित्सकों की कमी भी बताई है। आपको बता दें कि जनपद कासगंज के 100 बेड वाले जिला अस्पताल में आज सुबह से ही मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। जनरल ओपीडी में 740 मरीज को देखा गया है, जबकि पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर के चैम्बर्स तक मरीज खुद को दिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इनमें से लगभग 85% मरीज बुखार, खांसी, जुकाम व टाइफॉइड जैसे लक्षणों वाली बीमारी से ग्रसित है। वहीं जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शकर्ता आनंद कुमार ने दावा किया है कि अभी तक जिले में एक भी डेंगू का मरीज नहीं मिला है। फिर भी हम लगातार जांच कर रहे हैं। 600 से 700 तक मरीजों को जिला अस्पताल में प्रतिदिन देखा जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि डेंगू बुखार से डरने की जरूरत नहीं है। कोविड कंट्रोल रूम को ही डेंगू कंट्रोल रूम में सक्रिय कर दिया गया है। डेंगू के संबंध में कोई भी सूचना हो तो तुरंत कंट्रोल रूम पर इसकी जानकारी दी जा सकती है। सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और सावधानी बरतें। कूलरों, टंकियों में पानी भरा न छोड़ें और मच्छर ना पनपते दें। आइए देखते हैं कासगंज से हमारे संवाददाता फहीम अख्तर की एक खास रिपोर्ट। उनके ब्लड के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, स्लाइड्स बनवाई जा रही हैं। हमारे जनपद में इवन डेंगू का भी जाँच की पूरी व्यवस्था है, जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सभी CHCs में जो हमारे बेड्स रिजर्व थे कोविड के लिए, उन्हें भी रिजर्व रखा गया और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा सभी नगर पालिकाओं में साफ़ सफाई तक रखने के लिए, सभी ग्राम पंचायतों में साफ़ सफाई कराने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। जिला CMO कार्यालय में एक कंट्रोल रूम खोला गया है। ऑलरेडी उनके तीनों नंबर सब जो कोविड में ICCC के नंबर्स थे वो सारे नंबर एक्टिव कर दिए गए हैं। इसमें कोई कुछ बताना चाहे, कोई सूचना देना चाहे तो उन नंबरों पर दे दें और हमारा भी नंबर है जिसमें हमको भी लोग सूचित कर देंगे, तब समय कार्रवाई कराई जाएगी। ये बीमारी घरों के आसपास गंदगी से, जल जमाव से, मच्छरों के काटने से होता है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि अपने घरों के आसपास, अपने कार्यालय के आसपास गंदगी ना रहने दें, कहीं जल जमाव ना होने दें और कहीं नाली वगैरह है तो उसमें मिट्टी का तेल या जला हुआ मतलब मोबिल ऑयल आदि का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा रात में अगर बाहर सोते हैं तो बाहर ना सोएं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सोना ज़रूरी है तो मच्छरदानी लगा करके ही सोएं। और कहीं भी कोई समस्या आवे, कोई बात होती है तो तत्काल अपने PHC CHC पर रही जाए, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज ना करवाएं। और जो मतलब हमारे मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं या ऐसे डॉक्टर हैं, उन्हीं से दवाई लें और छुपाएं ना, डरें ना। ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, घबराएं ना। तत्काल अगर फीवर आता है तो अपने आप दवाई ना लें कि हम एक दो दिन घर में दवाई ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे। तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और सभी डॉक्टरों को बता दिया गया, सभी जगह प्रॉपर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और ये केवल जागरूकता से ये इससे हम लोग निजात पा लेंगे। और अभी पूरे जनपद में स्थिति नियंत्रण में है, कोई समस्या नहीं है। फिर भी आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि कहीं आपके बातों संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो तत्काल हमारे और स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में लाएँ। हम और आप सभी मिल करके जनपद के अपने सभी नागरिकों को पूरी तरीके से स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर कंसल्टेंट, जिला अस्पताल। अगर जिला स्तर की बात करें तो इस वक्त वायरल फीवर का पूरे प्रदेश में मरीज निकल रहे हैं। कासगंज जनपद की बात करें तो प्रतिदिन जिला स्तर में कितने मरीज आ रहे हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी कासगंज जनपद में कोई ऐसा खास प्रकोप नहीं है। बुखार के रोगी है तो सीजनल बुखार है, वायरल फीवर है, ये तो है ही है। और हमारे जिला चिकित्सालय में सारे इंतजाम है, चिकित्सकों की बहुत कमी है। वास्तव में 25 के सापेक्ष केवल 5 डॉक्टर संग है, इसमें सभी सीनियर से जूनियर डॉक्टर हमारे पास कोई है ही नहीं। फिर भी सीमित संसाधनों में पूरा प्रयास करें कि जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा अच्छी तरह से उपलब्ध करा सके।
तो कासगंज के आला अधिकारियों ने इस तरह से की है डेंगू और वायरल बुखार से निपटने की तैयारी। फिलहाल तो स्थिति काफी चिंताजनक है। आशा है कि जल्द ही इसे काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन सावधानी बरतना हम सबका कर्तव्य है। तो अपने आसपास सफाई रखें और सावधानी बरतें। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।